मेरे प्यारे सब्सक्राइबर को नमस्ते और जय श्री महाकाल। और हम आपके लिए न्यू वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं धरती की नाभि यानी कर्क रेखा। और आपको काफ़ी मज़ा आएंगे आपको देख कर, क्योंकि हम अभी वहीं पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो आपको बस वही दिखाने वाले हैं। हम जा रहे हैं गाड़ी कार में हैं फिलहाल और बस हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। ये गांव डोंगरा उज्जैन के पास, उज्जैन के पास में जिला उज्जैन है। यहाँ ये धरती का भी सेंटर है और काफी मस्त जगह है, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पर काम चल रहा है। ज्यादा अंदर जाना ना हो पर आपको दिखा देंगे कि कैसे क्या काम चल रहा है यहाँ पर। और काफी प्यारी और खूबसूरत जगह है। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि एक बार जरूर आए, क्योंकि हमें आया हूँ यहाँ पर घूमने, मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। तो आप भी एक बार जरूर आए। और ये आपको ऑनलाइन मैप पे मिल जाएगी, मैप पे आप देख सकते हैं बिल्कुल। और हम आ गए हैं यहाँ, देखिए आप। और ये नाभि नहीं, आप नाभि की तरफ आपको ले जा रहे हैं, क्योंकि ये तो कुछ बना हुआ है पार्क वार्क, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे वीडियो में। तो आपको जब फटाक से आपको नाभि की तरफ ले चलते हैं। और ये नाभि है यहाँ पर, और यही अंदर बहुत ही प्यारी जगह बन रही है, काफ़ी बड़े जगह है। आपको इसके जो नेक्स्ट रिव्यू वो भी जल्दी ला देंगे आपको, क्योंकि इसके अंदर तक हम नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि अंदर जाने नहीं दिया था हमको, तो इसलिए हम अंदर तक की वीडियो बना नहीं पाए। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएंगे उसका फुल रिव्यू लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ऐसा उन्होंने हमको वीडियो बनाने पर मना कर दिया, क्योंकि अभी काम चल रहा है और बहुत सारे ब्लॉग वाले लोग आते हैं यहाँ पर, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वीडियो बनाना बंद कर दिया। इसलिए ज़्यादा पूरी वीडियो आपको दिखा नहीं पाए। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें आपको बताएंगे। ये आवाज़ तो नहीं अपनी माए, ये नाभि है, धरती की नाभि। यहाँ कर्क रेखा है, यहाँ धरती का भी सेंटर है। ये गांव डोंगरा उज्जैन के पास में जिला उज्जैन है। यहाँ ये धरती का भी सेंटर है, यानी कि धरती की नाभि, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ये है वेदशाला, ये यहाँ के महंत जी है, रामगिरी जी नाम है इनका। ये यहाँ की देख रेख करते हैं, संचालन करते हैं।